अगर मैं कहूँ कि एक ऐसे पर्सन का नाम बताओ जो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है और वो फेमस भी है एंड ऑल्सो रिचेस्ट ग्लोबल पर्सन, तो इसमें कार्दाशियन गर्ल्स का नाम ज़रूर होगा। बट ये कैसे पॉसिबल है कि कार्दाशियंस इतनी फेमस हैं, मतलब कार्दाशियन फैमिली की हर एक लड़की इतनी फेमस, इतनी ब्यूटीफुल और इतनी रिच कैसे हो सकती है? एंड इनफैक्ट उनका बेसिक मेकअप प्रोडक्ट भी वायरल है और दे आर डेटिंग द फेमस रिचेस्ट मेंस ऑल्सो। बट कहानी में ट्विस्ट ये है कि उनकी लव लाइफ फुस है। इनफैक्ट जो भी मैन कार्दाशियन गर्ल्स को डेट करता है ही सफर्स अ लॉट। तो क्या कार्दाशियन कर्स नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, और या फिर ये कह सकते हैं हम कि क्या कार्दाशियंस विचेस हैं? रिसेंटली ब्लेम किया जा रहा है कार्दाशियन गर्ल्स को कि कार्दाशियन कर्स की वजह से उन्हें कभी भी सच्चा प्यार नहीं मिल पाएगा। तो जानेंगे इस वीडियो में कार्दाशियन कर्स के बारे में कि क्या इसमें कितनी सच्चाई है। सो वेलकम टू AGSKI 360, मैं हूँ तेजस्वी। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली इंटरनेट के अकॉर्डिंग कार्दाशियन गर्ल्स के फेमस होने के पीछे एक बहुत ही खास वजह है, और लेजेंड्स बिलीव करते हैं कि 1800 में कार्दाशियंस के एंसेस्टर्स रहते थे और उनमें से ही एक थी केकल। केकल के जो पेरेंट्स थे वो उसे इतना ज़्यादा मारते थे कि इस ट्रॉमा से वो परेशान होकर अर्बेनिया चली गई। अर्बेनिया जाकर उसने एक रिचुअल परफॉर्म किया था जिसमें बहुत सारे विचेस भी शामिल थी और जिन्होंने ये विश मांगा था कि वो सभी लोग सक्सेसफुल बन जाएं। और केकल ने विश मांगा कि उसकी जितनी भी ग्रैंड डॉटर्स होंगी उन्हें सब कुछ मिले, नेम, फेम, फॉर्चून और ब्यूटी। तब विचेस ने कहा कि अगर ऐसा होगा तो उन्हें सच्चा प्यार कभी नहीं मिलेगा, और केकल ने इससे अग्री भी कर लिया था। तो यही कहा जाता है कार्दाशियन कर्स, जिसके मुताबिक कार्दाशियंस जितनी ज्यादा सक्सेसफुल होंगी उतना ही उनसे जुड़े हुए मेल सफर करेंगे। अब इस बारे में कितनी सच्चाई है कुछ नहीं कहा जा सकता, बल्कि इस कार्दाशियन कर्स के बारे में एक बार एक इंटरव्यू में केंडल और स्कॉट को डिस्कस करते हुए देखा भी गया था, जिसका मतलब ये हुआ कि दे ऑल्सो नो अबाउट इट। एंड इनफैक्ट अगर हम ये भी सोचें कि सिर्फ ये इंटरनेट पर सर्कुलेटिंग रूमर्स ही क्यों ना हो, बल्कि कभी ना कभी ये सच भी लगते हैं, क्योंकि कार्दाशियंस की लाइफ में आज तक जो भी मेल्स आए हैं, फिर वो चाहे वो उनके डैड हों या फिर ब्रदर हों या फिर बॉयफ्रेंड, सब ने कुछ ना कुछ सफर किया है, और वो भी भयानक सफरिंग। अगर हम सबसे पहले शुरू करें रॉब कार्दाशियन से, तो रॉब कार्दाशियन क्रिस कार्दाशियन का बेटा है। अब वो कार्दाशियन फैमिली से ही है, लेकिन वो अपनी बहनों के जितना नेम, फेम और फॉर्चून नहीं कमा पाया। एंड इनफैक्ट उसकी लव लाइफ भी मेस्ड अप है। वो ब्लैक शाइना से प्यार करता था और इनफैक्ट उनका एक बच्चा भी है, लेकिन ब्लैक शाइना ने उसे छोड़ दिया, जिसके बाद उसे चिल्ड्रन सपोर्ट मनी के रूप में एक ब्लैंक चेक ब्लैक शाइना को पे करना होता था, जो कि अराउंड $20,000 के आसपास था। और एक टाइम ऐसा आया जब वो इतना अमाउंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, और उसके लिए इस अमाउंट को कम करने के लिए उसने हाई कोर्ट में अपील भी किया। अब यहीं पे ये डिफरेंस देख लो, जहाँ पर सेम शो से ही ये सब लोग स्टार्ट कर रहे हैं और उसकी बहनें बिलियनियर मिलियनियर बन जा रही हैं, जबकि वो 20,000 भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। एंड इनफैक्ट रॉब को ना एक बारी एडिक्शन भी हो गई थी, जिसमें उसकी सिस्टर्स ने उसे फाइनेंशियली हेल्प भी किया था। अब आप यहीं पे देख लो कि ही हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट। अब बात कर लेते हैं कार्दाशियन फैमिली के ही एक और मेल पर्सन की, यानी कि ब्रूस जेनर की। ब्रूस जेनर जब यंग था तब वो एक बेस्ट एक्टर के रूप में जाना जाता था। एंड इनफैक्ट जब उसने क्रिस से शादी की तो उनके बच्चे भी हुए, बट इन 2015 66 की एज में उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और इस तरीके से ब्रूस जेनर का द एंड हो गया। अब ये तो थे कार्दाशियन फैमिली के ही मेल मेंबर्स जिन्हें काफी कुछ सफर करना पड़े। अब बात करेंगे हम कार्दाशियन गर्ल्स के बॉयफ्रेंड्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं 2009 में क्लोए मैरिड लमार। लमार को ना पीने की आदत थी, उसके साथ ही वो अदर सब्सटेंसेस भी लेता था। 2015 में वो एक ब्रॉथल में बेहोश पाया गया था। उसके बाद उसका जब टेस्ट करवाया गया तो पता चला कि उसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली थी, और साथ ही उसने अदर सब्सटेंसेस भी बहुत ज्यादा मिला लिए थे उसमें, जिसकी क्वांटिटी इतनी ज्यादा थी कि उसकी बॉडी उसे एडजस्ट ही नहीं कर पाई। और उसके बाद इनफैक्ट वो 3 दिन तक कोमा में रहा। कोमा से निकलने के बाद भी उसे 12 स्ट्रोक्स का सामना करना पड़ा और 6 हार्ट अटैक का। इतनी क्रिटिकल कंडीशन का सामना करने के बाद जब उसका ट्रीटमेंट करवाया गया, उसकी रिकवरी के बाद इन 2016 ही गॉट डाइवोर्स। सिमिलर इंसिडेंट फेस करने पड़े कोर्टनी के हस्बैंड स्कॉट डिसिक को, जिसने काफी कुछ सफर किया। एंड इनफैक्ट उसकी पूरी लाइफ अनस्टेबल रही,
और उसको भी ज्यादा पीने की आदत रही थी। फिर काइली जेनर जब ट्रैविस स्कॉट को डेट कर रही थी उस दौरान एक बड़ा हादसा हुआ। ट्रैविस स्कॉट के कॉन्सर्ट में कई लोग मारे गए क्योंकि ये कॉन्सर्ट बहुत क्राउडेड था और बहुत लोगों को अलाउ किया गया था। इस वजह से लोगों को ब्रीथ करने में दिक्कत हो रही थी। लोग ट्रैविस से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो कॉन्सर्ट रोक दे, बट ट्रैविस ने ये कॉन्सर्ट कंटिन्यू रखा। और तब ये भी बोला गया था कि इस इंसिडेंट की वजह से ट्रैविस का करियर खत्म हो सकता है। इवन दो कान्ये वेस्ट जो किम कर्दाशियन का बॉयफ्रेंड है, किम को डेट करते टाइम वो मेंटली इतना हरास हो चुका था कि चार बच्चे होने के बाद 2021 में उन दोनों ने डाइवोर्स कर लिया। किम से अलग होने के बाद कान्ये वेस्ट ने तो इनडायरेक्टली कर्दाशियन गर्ल्स के बारे में भी बात की थी कि उन्हें बस एक आदमी चाहिए सो दैट वो बच्चा पैदा कर सकें। काइली जेनर ने भी ऐसे ही इनडायरेक्टली इस बारे में कहा था कि जो भी मेंस उनकी लाइफ में आते हैं एट अ टाइम वो उनकी लाइफस्टाइल में एडजस्ट ही नहीं कर पाते हैं। और इस बारे में कर्दाशियन से जब एक इंटरव्यू में पूछा गया था तो केंडल जेनर ने कहा था कि ये गलत है जहां हमें ब्लेम किया जा रहा है, बल्कि किसी रिलेशनशिप को हैंडल करना मेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वेल, अब इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में बताना, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और ऐसे ही खास वीडियोस के लिए सब्सक्राइब AGSKI360।